नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करने वाले हैं गाइस IRFC की, क्योंकि इसमें ऊपरी स्तर से फिर से लगातार गिरावट अब शुरू हो चुकी है। और मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि डिविडेंड की जो एक्स डिविडेंड की जो डेट है उसके बाद शायद इसमें गिरावट आप देख सकते हैं, और एग्जैक्टली हो भी यही रहा है कि जब से डिविडेंड की डेट आई है उसके बाद से लगातार इसमें गिरावट शुरू हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, तो अब क्या करना है? प्लस एक रूमर मार्केट में आ रहा है इसको लेकर के, जिसके कारण इसके शेयर में प्रेशर हो सकता है। क्या है वो रूमर, बातें करेंगे। प्लस क्यों ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म, लेकिन क्या एक चीज है जो हमें दिमाग में रखनी है इस शेयर में इन्वेस्ट करते हुए, और एनालिस्टों का क्या कहना है, ये सब चीज में चर्चा करेंगे। थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा स्पेसिफिक वीडियो है, इसलिए जो लंबी अवधि के निवेशक है ये वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक चैनल में अगर आपको मेरी बातें पसंद आती हैं तुरंत वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और दोस्तों मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, जाके ज्वाइन जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों चलते हैं सीधा शेयर प्राइस की तरफ। गाइस कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1.67% की फिर से गिरावट हुई है। ठीक है, और ये गिरावट सिर्फ उसी दिन नहीं हुई है, अगर हम पिछले 5 दिनों का डेटा देखें तो आप देखिए 3.5% के आसपास से इसमें गिरावट शुरू हो चुकी है। ठीक है, और ये गिरावट अब लग रहा है मुझे कि थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये शेयर में अब कोई ट्रिगर बचा नहीं है दोस्तों। ठीक है, इस शेयर में कोई ट्रिगर बचा नहीं है, डिविडेंड अनाउंस हो गया, एग्जिट निकल गई, और जो रिजल्ट आने थे वो भी आ गए, रिजल्ट भी ठीक ही ठाक थे। अब जो फिर से जो इसका पुराना स्टेटस था क्या, कि भैया इसको सेल करो, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का स्टेक 86% से ज्यादा है, और गवर्नमेंट कभी भी आपको धीरे धीरे से इसमें अपना स्टेक सेल करते हुए दिख सकती है। तो दोस्तों इस बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, टेक्निकलिटी में बात करूंगा, लेकिन पहले कुछ चीजों जो पैरामीटर होते हैं जो एनालिस्ट का कहना है उन सब में बातें करते हैं। आप देखिए 100% एनालिस्ट हैव सजेस्ट दैट इन्वेस्टर कैन बाय द स्टॉक। प्राइस अपसाइड थोड़ा देखेंगे आप, आई मीन दिस इज फैंटेबुलस। ठीक है, लो रिस्क स्टॉक है दोस्तों, देखिए 1.6x की वॉलेटिलिटी है, बहुत लो रिस्क स्टॉक है, मिड कैप कंपनी 30,000 करोड़ से ज्यादा की, स्पेशलाइज फाइनेंस है, स्पेशलाइज फाइनेंस में दोस्तों ये रेलवे के जो काम होते हैं ना उसको फाइनेंस करती है, यानी कि कोई भी बैंकरप्ट होने की ऐसी फाइनेंस कंपनी जिसका बैंकरप्ट होने का चांसेस ना के बराबर है, यानी आपको ये देखिए इसीलिए रोल रिस्क भी दे रही है। इंट्रेंसिक वैल्यू करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रेंसिक वैल्यू। रिटर्न वर्सेस FD, तो दोस्तों ये रिटर्न वाकई अच्छी देती है, और मैं आपको दिखाऊंगा ऐसा क्यों बोल रहा हूं। एंट्री पॉइंट जबरदस्त है, नो रेड फ्लैग्स है दोस्तों, और ये इन्वेस्टर्स उनके लिए दोस्तों जिन्होंने रिस्क का नहीं पसंद है, जहां जिनको रिस्क दिखता है ना वहां वो ऐसे काट देते हैं, उनके लिए। प्लस जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में यकीन रखते हैं, जो अपने पैसे डाल के भूल जाना चाहते हैं, प्लस जो एक डिविडेंड स्टॉक भी ढूंढ रहे हैं, तो ये इन तीनों चीज की जिनको तलाश है दोस्तों वो IRFC में आके खत्म हो जाती है। लेकिन लेवल्स की भी कोई चूज होती है, देखिए दोस्तों लेवल्स की अगर बात करेंगे ना तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। आप प्रो में जाइए, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि मैंने कहा था गवर्नमेंट बैक कंपनी दोस्तों, तो डिफॉल्ट होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, और फाइनेंस कंपनी जिसमें डिफॉल्ट होने चांस बिल्कुल नहीं है, आप उसको देख फॉर अ लॉन्ग टर्म आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। ठीक हो गई बात ये। अब गाइस आते हैं, आप देखिए शेयर में लॉन्ग टर्म में क्यों बोलता हूं, IRFC पोस्ट 51% ईयर ऑन ईयर जंप इन नेट प्रॉफिट एट ₹1,501 करोड़ इन Q2 फाइनेंशियल 2022। द कंपनीज टोटल रेवेन्यू रजिस्टर्ड एन इंक्रीज ऑफ 26% ईयर ऑन ईयर फॉर द Q2 फाइनेंशियल ईयर 2022 एट ₹4,690 करोड़। दोस्तों 4,690 करोड़ रुपीज, ये आप देखिए 26% का टोटल रेवेन्यू जनरेटेड है, इंक्रीज है 26% ईयर ऑन ईयर। तो आप मुझे बताएं ऐसी फाइनेंस कंपनी जिसके फंडामेंटल इतने अच्छे हैं, डिफॉल्ट होने चांसेस बिल्कुल नहीं है, हमें इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। और आप देखिए कि जो मनी कंट्रोल है दोस्तों उसमें भी 94% इसे बाय की रेटिंग देते हैं। लेकिन देखिए इसके साथ कैच है दोस्तों, पहला सरकार अपना आने वाले 1-2 साल में स्टेक सेल करेगी, तो आपको इसमें जब गिरावट मिले
तो उसे प्लीज एक्यूमुलेट करें। 20 रुपए के आसपास ये शेयर आता है, आप अच्छे अमाउंट में खरीदें, फिर आपको 18 रुपए में मिले, अगर इफ अगर, क्योंकि मार्केट जिस तरह से गिर रहा है ना दोस्तों, ये रियलिटी समझिए, जो मार्केट इतना तेजी से गिरता है ना, कोई भी, फिर मैं रिपीट करूंगा, कोई भी टेक्निकलिटी कुछ काम नहीं आती, सिर्फ शेयर गिरते हैं, ठीक है। और अगर मार्केट गिरेगा साथ में शेयर भी, अगर गवर्नमेंट सेल ऑफ करती है उसमें गिरावट हो 18 रुपए फिर 15 रुपए, यहां तक दोस्तों अच्छे से एक्युमुलेट कीजिए। गाइस 4% का डिविडेंड है ये, 4 भी उससे ज्यादा, 4-4.5% का डिविडेंड है, और साल में ही आपको कम से कम 10% का रिटर्न ऑलरेडी देगा, तो 15% की रिटर्न आपको, ठीक है, 10 रुपए के फेस वैल्यू का ये स्टॉक में आपको मिल रही है, वो भी इतनी सेफ्टी के साथ। तो वो प्लेयर जो ज्यादा रिस्क नहीं लेते वो आराम से इसमें निवेश कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, पहला। दूसरा, मोनोपोली हटने का डर इसमें हमेशा रहेगा दोस्तों, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए सोल फाइनेंसर है रेलवे की, अगर रेलवे ने कहा कि भाई हम दूसरे से भी पैसे लेंगे, तो क्या होगा, शेयर में गिरावट आएगी, और वो गिरावट ना दोस्तों काफी खतरनाक होगी, मैं बता रहा हूं आपको। बट स्टिल मैं यही कहूंगा, वो जो गिरावट हो कभी, वो सिर्फ एक सिर्फ एक्यूमुलेशन का जोन होगा दोस्तों, क्योंकि देखिए आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि जो अभी की सरकार है ना, वो बहुत ही बिजनेस माइंडेड सरकार है, ठीक है, इसीलिए ये बात आप थोड़ा समझ के रखिएगा इस चीज को। बट मैं फिर कहूंगा, जब भी ऐसा हो प्लीज अपना स्टेक दोस्तों सेल नहीं कीजिएगा, और कम से कम 5 साल का होरिजन रखिएगा इस इन्वेस्टमेंट पे। ये हो गई बात। अब आप देखें, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं इसमें, जो कि है टेक्निकलिटी, इस शेयर में टेक्निकल्स में बात करने का। आप देखिए IRFC में मूविंग एवरेज बेरिश है, लेकिन बाकी दो चीजें हम देखेंगे तो अभी भी न्यूट्रल है दोस्तों। इसका सपोर्ट जो नियर है दोस्तों 23.38 है, ठीक है, और जो आखिरी सपोर्ट दिख रहा है अभी नियर टर्म में वो 22.88 है, यानी लगभग 23 रुपए के आसपास है, अप्रॉक्स 23 के आसपास, यानी आप देखिए 23.88, ये इसे भी इस बार तोड़ के बंद हुआ है दोस्तों, ठीक है, आप देखिए 22.88, ठीक है, यानी माफ कीजिएगा 22.88 है, यानी अभी भी ऊपर है, और अगर ये आपको 22.50 रुपए से लेकर के यहां अगर आपको मिलता है, प्लीज इसे लीजिएगा दोस्तों एक छोटे से अमाउंट में, प्लस इसे लेते टाइम जो मैंने आपसे कही है रिस्क वो याद रखिएगा, प्लस मार्केट का एक बार आप देखिएगा सेंटिमेंट क्या है, मार्केट अगर बहुत ज्यादा पैनिक स्थिति में है ना दोस्तों, तो ज्यादा अमाउंट मत लीजिएगा, ठीक है। बट ऐसे निवेशक जो लंबी समय की अवधि देखना चाहते हैं, उन्हें इस शेयर में बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए ही दोस्तों। देखिए IRFC में कहा ना, उनके लिए जरूरी है जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, और जो ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्ट करने से डरते हैं, जो साल की 12-15% की एक रिस्क फ्री रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट स्टॉक है। लेकिन ये दोस्तों बहुत बोरिंग इन्वेस्टमेंट है, मैं ये भी बता दूं, ऐसे इन्वेस्टमेंट में कोई एक्साइटमेंट नहीं रहती। आप देखेंगे हफ्ते महीने भर आपका शेयर 2 रुपए 1 रुपए अपसेट किया होगा, जब से ये लिस्ट हुआ दोस्तों ये अपने IPO तक के प्राइस को तोड़ के ऊपर बंद नहीं हुआ है ठीक से, ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कितना ज्यादा लेजी स्टॉक है, कितना लो वोलेटिलिटी का स्टॉक है। लेकिन यही फायदा होता है ऐसे शेयर्स का, जब मार्केट बहुत ज्यादा गिरता है तो ये मार्केट मुकाबले काफी कम गिरते हैं, तो अपने पोर्टफोलियो हेजिंग करने के लिए, रिस्क को मैनेज करने के लिए ऐसे निवेश स्टॉक्स में हमें निवेश जरूर करना चाहिए दोस्तों। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, लाइक कर दें, चैनल में नया है सब्सक्राइब कर दें, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों। प्लस जो मैं आपसे बातें शेयर करता हूं ये प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए है दोस्तों, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं रहती है। आपको कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से या खुद भी थोड़ी रिसर्च करनी है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो आप यहां देखने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।